वो तुम्हारे जीजू का है। आप यहाँ पे क्यों आई थी? उन्होंने वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल रखा है कि आपको अंदर ना आने दे, लेकिन आप अंदर आए कैसे? वो तुम छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ ये है कहाँ? जीजू अभी अभी बैक स्टेज गए हैं, बीच में ही अपना परफॉर्मेंस छोड़ दिया उन्होंने, शायद आपको बहुत मिस कर रहे थे। तुम लोग यही रुको, मैं आती हूँ। हाँ, ये दी इतना परेशान क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दी को पता चल गया है कि जो क्या वो उन्हें पता चल गया कि अभी जीजू ने कॉन्सर्ट बीच में रोक दिया, तो वो भाग कर आ गई। अच्छा, आप प्रीता और आप सृष्टि है ना, दी की बहन है? हाँ जी। और आप दिशा? हाँ, हमें अभी बहुत जरूरी काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके, नाइस टू मीट यू। अरे अरे, तेरा दिमाग खराब है क्या? बॉम वाली बात दिशा को क्यों बता रही थी? गिटार में बॉम है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए ना। अरे दी नहीं रोक पाई तो कम से कम कोई तो रोकेगा जीजू को। तेरा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर बॉम्ब की बात करेगी, सब हफड़ा तफड़ी बच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगी, लोग मर सकते हैं। और जिसने बॉम्ब लगाया है ना, वो बॉम्ब को एक्टिवेट भी कर सकता है, बिना गिटार बजाए बॉम्ब फट जाएगा। पागल लड़की, इसका मतलब उस प्रज्ञा को पता चल गया है कि गिटार में बॉम्ब है। ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मिली थी, अपनी दोनों बहनों से भी मिलवाया उन्होंने, बहुत परेशान लग रही है, पता नहीं क्या मैटर है। प्रज्ञा दी यहाँ पर क्या कर रही है? हो सकता है बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आई हूँ, मैं जाके देखती हूँ। अभी नहीं, ये गिटार प्लीज मुझे दे दीजिए, इस गिटार में नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गिटार में क्या है जो तुम इस गिटार के पीछे पड़ी? मैं आपको बाद में बता दूंगी, इस वक्त मैं आपको नहीं। कुछ तो है जो ये नहीं बता रही, इसमें ड्रग्स या डायमंड तो नहीं छुपा है इसने? अरे कोई ड्रग्स या डायमंड कुछ नहीं है इस गिटार में, इस गिटार में तो आप गिटार दे दीजिए। नहीं, मैं गिटार नहीं दूंगा। और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, तुम मेरा करियर और मेरे कॉन्सर्ट को दाव पर लगा रही हो। अगर तुम नहीं गई ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? आपके साथ बुरा होगा, कुछ खराब नहीं कर रही, मैं सब सही कर रही हूँ, गिटार मुझे दे। इस तरह स्टेज पर मेरे कॉन्सर्ट में तुम बंदूक लाकर मेरे स्टेज पर आओगी तो मैं डर जाऊंगा, परफॉर्म करना बंद कर दूंगा। ये तुम्हारा बदला लेने का तरीका ना ठीक नहीं था। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं गिटार बजाऊंगा और कॉन्सर्ट चालू करूंगा।